सऊदी महिलाओं को फिर से खुली किस्मत, अब इस क्षेत्र की बागडोर खुद संभालेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आइए जानते हैं पूरी खबर। सऊदी अरब में अल फैसलिया होम्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ मादेन माइनिंग कंपनी ने साझेदारी कर दी है। मंगलवार को मादेन माइनिंग कंपनी ने इसकी घोषणा की है, जिसमें सऊदी महिलाओं को खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मादेन की सामाजिक पहल में यह कार्यक्रम किया गया है, जिसकी लागत $20 मिलियन थी। अल फैसलिया महिला कल्याण समिति सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करके स्थानीय समुदाय के विकास में योगदान करती है। मादेन माइनिंग कंपनी ऊर्जा उद्योग और खनिज संसाधन मंत्रालय के माध्यम से और सऊदी सरकार के सहयोग से खनिज उद्योग के नेतृत्व में राज्य के तेल और पेट्रोकेमिकल्स के बाद उद्योग का थर्ड पिलर बनने के लिए अपने दृष्टि कौन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मादेन कंपनी की साझेदारी शाबिक, अल्कोआ, मोजाइक, बैरिट गोल्ड कॉर्प और सहारा पेट्रोकेमिकल्स भी है। मादेन ने मदीना सरकार द्वारा स्थापित एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की महज एड दहाय में 19 दिसंबर को, जिसमें प्रिंस फैसल बिन सलमान मौजूद थे, जो अरब में सोना खनन क्षेत्र है। यह अल मदीना प्रांत में स्थित है। सऊदी माइनिंग कंपनी यहां अल शॉटिंग में स्वर्ण क्षेत्र में के उपाध्यक्ष ने कहा कि कंपनी कई अन्य क्षेत्रों में देश के लोगों के लिए अन्य पहलों को दबावा देती है। उन्होंने अल शांगिनी खनन क्षेत्र में महिलाओं के लिए उभरे परियोजनाओं की स्थापना और विपणन के बारे में बताया है। मादेन की भूमिका मुख्य रूप से महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वित्त पोषक के हिस्सों के अतिरिक्त सांस्कृतिक केंद्र बनाने और उन्हें सक्षम बनाने में थी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन के लिए नामा अल मुनवाहरा चैरिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वे अब मदीना में सुनार कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं के गहने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। छोटे और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए नामा अल मुनवावर को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा, खनन उद्योग को पुरुषों के लिए माना जाता है, लेकिन क्षेत्र में काम करने के लिए सऊदी महिलाओं की योग्यता को परखा जा रहा है। अल शांगिती ने कहा कि खनन में काम करना बहुत मुश्किल है। जहां हम भूमिगत काम करते हैं वह 400 मीटर गहरी होती है और विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या सीमित है। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए।